हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद केके में, और मैं हूं आपका दोस्त केके डामोर। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है व्लॉग, जो कि मेरा गांव में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कैसा यहां का गांव है, एनवायरनमेंट कैसा है, यहां की लोकेशन कैसी है और यहां किस किस तरह की खेती होती है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक्चुअल में हमारी दुकानें हैं, जो चार दुकानों की छत पर बैठा हूँ। यहाँ पर जहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे बैकग्राउंड में ये मकान है जो हमारे पापा ने बनाया है, और इसी मकान में मैं एक्चुअल में यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं जॉब पे रहता हूँ। आज गांव आया हूँ तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए मेरा गाँव और कैसा लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जैसे केले का पेड़ लगा रखा है, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो लग रहे हैं वो यहाँ सागवान लगा रखे हैं। और यहाँ का व्यू और दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से ऊपर से आप देख रहे होंगे वहाँ पर एक केलू वाला मकान है, जो कि हमारा सबसे पुराना मकान है, उसी घर में मेरा जन्म है और अभी हमारे दादी माँ और वो यहाँ पर रहते हैं अभी। और एक चाचा जी है जो कि अहमदाबाद में है, एक चाचा जी साइड में है, हमारे यहाँ साइड में घर है, यानी कि तीन भाइयों का, हमारे पिताजी तीन भाई है, वो सब एक साथ ही रह रहे हैं यहाँ पर आसपास में। इसके साथ ही चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे नीचे जाकर मेरे मकान का लुक और क्या क्या है, नीचे जाके बताता हूँ। मेरे फादर को यहाँ पर बागवानी का बहुत शौक है, तो यहाँ पर कुछ फल अनार के और जैसे अमरूद और नींबू और बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो आप पीछे केले का पौधा देख रहे हैं, ये भी हमारे पिताजी ने ही लगाया, इस पे केले भी आते हैं दोस्तों सीजन सीजन में। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर मकान का लुक दिखा देता हूँ। ये हमारा मकान है और ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक छोटी सी गाड़ी है हमारे घर में जो पिताजी ने खरीदी है, जो कि है अल्टो K10। और आइए चले दिखाता हूँ मैं आपको मेरा पुराना मकान, जो कि अभी भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी दादी माँ और हमारे परिवार के, मेरे भाई साहब और मेरा लड़का है उधर, और एक भतीजा और भतीजी खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको चिल्लर पार्टी खेलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही आपको मैं अपनी दादी से मिलवाता हूँ, ये मेरी दादी जी हैं, और ये है मेरे छोटे भाई साहब। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ बाउंड्री, और ये है RCC रोड बना हुआ है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ आप देखोगे तो ये हमारे पड़ोसी है, और सामने की तरफ यहाँ पर तुअर की दाल जो होती है उसकी खेती कर रखी है। ये है हमारे चाचा जी के पीछे का गार्डन, जहाँ पर कुछ फल फ्रूट्स और सब्जियाँ लगा रखी है, जो यहाँ पर थोड़ी सी बागवानी कर रखी है। ये देख सकते हैं आप हमारा पूरा मकान का फ्रंट व्यू, और ये जो कि पपीता के पौधे पेड़ कुछ भी कह सकते हो आप, यहाँ पर पपीता हमारे ज्यादा पसंद किए जाते हैं इसलिए लगा रखे हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरी वाइफ है जो यहाँ पर बर्तन साफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं ले आया हूँ आपको मेरे मकान की छत पर, और आप देख रहे हैं ऊपर से ये जहाँ से सीढ़ी से मैं चढ़ा था उसका व्यू है, और ये सामने दुकानें दिख रही है आप देख सकते हैं, और ये मस्ती को और मस्ती में लगे हुए
ऊपर से कुछ गांव का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये हमारा पुराना घर है, पीछे कुछ बिल्डिंगें बनी हुई है और ये देख लीजिए, ये कुछ हमारे पड़ोसी मकान हैं जो कि हमारी कम्युनिटी से हैं, और इसके साथ ही हमारे यहाँ पीछे के मकान हैं जो कि हमारे पड़ोसी हैं। इधर से आप ऊपर की तरफ से यहाँ पर नीलगिरी के वृक्ष देख सकते हो, और पीछे कुछ खेती बाड़ी कर रखी है जिसमें हमारे यहाँ पर धान की खेती की जाती है इस समय। और मैं यहाँ सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये हमारे दादाजी का फोटो है, और ये देख सकते हैं हमारे दुकानों का आगे का फ्रंट व्यू। तो यहाँ से आरसीसी रोड बना हुआ है, और ये है खेती जिसमें तुअर की दाल अभी हो रही है। ये है हमारा मेन गेट, और ये रहा गैराज। गुड़हल के कुछ फूल आए हुए हैं,